कोतवाली पुलिस ने बालगढ़ रोड से बड़ी मात्रा में अवैध शराब की पेटियां पकड़ी है। पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्त में लिया है, जिसके खिलाफ आबकारी एक्ट में प्रकरण दर्ज किया गया है। दरअसल कोतवाली पुलिस को सूचना मिली थी कि बिना नंबर की एक शिफ्ट डिजायर कार बालगढ़ से देवास की ओर बड़ी मात्रा में शराब की पेटियां लेकर आ रही है। सूचना पर कोतवाली सब इंस्पेक्टर पवन यादव, एएसआई संजय सिंह तंवर, प्रधान आरक्षक मनोज पटेल, रवि गरोड़ा मौके पर पहुंचे। सूचना के आधार पर पुलिस ने बालगढ़ रोड पर भोलेनाथ मंदिर के पास बिना नंबर की शिफ्ट कार को रोककर तलाशी ली तो उसमें 25 पेटी प्लेन देशी शराब मिली। पुलिस ने मौके से नीरज पिता मुकेश पटेल निवासी ग्राम नावदा को गिरफ्तार किया है। जब्त शराब की कीमत 71,250 रुपए बताई जा रही है। कार का नंबर GJ10CN9426 बताया जा रहा है। परिवहन विभाग की वेबसाइट पर उक्त कार कुमार उज्जैन के नाम पर रजिस्टर्ड है। पुलिस ने आरोपी नीरज पटेल के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। आज थाना कोतवाली पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक स्विफ्ट गाड़ी है डिजायर नीले रंग की और उसमें कुछ अवैध रूप से शराब भरी हुई है। सूचना पर से अब निरीक्षक पवन यादव के नेतृत्व में एक टीम भेजी गई थी। बालगढ़ रोड पर चेकिंग के दौरान जो गाड़ी मिली है इसको तलाशी पर, इसमें से 25 पेटी देसी प्लेन शराब है। इसका कोई परिवहन करने का और रखने का कोई लाइसेंस नहीं होना पाया गया। और नीरज पटेल जो है उसको कार चला रहे थे, इससे जो है कब्जे से जब्त की गई है और जब्त करके 34-2 आपका दिन भीतर कार्रवाई की गई। प्रतिवर्ष सामाजिक समरसता का भाव लेकर निकाली जाने वाली राजराजेश्वरी भगवान परशुराम जी की भव्य शौर्य यात्रा रविवार 6 बजे मल्हार स्मृति मंदिर से निकाली जाएगी। निवेदक पंडित आदित्य दुबे एवं दीपेश कानून को मित्र मंडल देवास।